हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MY कंस्ट्रक्शन एंड टेक। बनाना है अच्छा मकान तो ज़रूरी है हाउस प्लान। इसी तरीके से हम डिज़ाइन लेकर आते रहते हैं आपके लिए, जो कि आज हम हाजिर हुए हैं 36x50 का प्लॉट लेकर। जिसके साइज़ की बात करें तो ये 200 गज का ये प्लॉट है, 1800 स्क्वायर फिट। आइए देखते हैं किस तरीके से डिज़ाइन किया है। 10 फिट का इसका मेन गेट रहेगा, जो मेन एंट्रेंस है वो 10 फिट की रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है हमारे पार्किंग स्पेस के अंदर। पार्किंग स्पेस की बात करें तो ये फ्रेंड्स 15x5 इंच x17 फिट की ये पार्किंग स्पेस है। काफ़ी बड़ी ये पार्किंग स्पेस है, यहाँ अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हैं एंड बाइक वगैरह इस साइड पार्क कर सकते हैं या इस स्टेयरकेस के नीचे भी हम पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री होती है फ्रेंड्स स्टेयरकेस के लिए। स्टेयरकेस की साइज़ की बात करें तो 3.5 फिट चौड़ा स्टेयरकेस है, 1 फिट इसकी ट्रेड है, 12 इंच की इसकी ट्रेड है। जो राइजर रहेगा वो 6.5 इंच का रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ से हमारी लैंडिंग रहेगी, लैंडिंग से फर्स्ट फ्लोर पर। इसके नीचे हम अपना एक टॉयलेट भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है बेडरूम के अंदर, जो कि गेस्ट रूम है हमारा। जिसके साइज़ की बात करें तो ये 13.9 फिट x10 फिट 10 इंच का है, तो काफ़ी बड़ा ये गेस्ट रूम है। यहाँ हमने एक टॉयलेट अटैच दिया है। जिसके साइज़ की बात करें तो 4.5x7 फिट का ये टॉयलेट है। 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है, जो भी फॉल स्मेल होगी पास आउट हो जाएगी इस वेंटिलेटर के थ्रू। 2.5 फिट का प्लेटफॉर्म बनाकर इंडियन WC लगा सकते हैं। बाकी जो स्पेस रहेगा वो बाथिंग स्पेस रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे इस बेडरूम के लिए जो वेंटिलेशन है वो 4x4 की एक विंडो दी है इस साइड, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन है। एंड यहाँ डोर दिया है, तो यहाँ से हम अपने बैल्कनी में आ सकते हैं। ये बैल्कनी है हमारी, जो कि 4.5 फिट चौड़ी है एंड 13 फिट 4 इंच लंबी है। काफ़ी बड़ी ये बालकनी है, यहाँ अपने बैठ सकते हैं टेबल चेयर वगैरह डालकर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी किचन और डाइनिंग के एरिया के अंदर। किचन डाइनिंग के एरिया की बात करें तो 15 फिट 5 इंच x 18 फिट 2 इंच, काफ़ी बड़ा ये हॉल टाइप का किचन एंड डाइनिंग एरिया है। यहाँ डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं फ्रेंड्स। एंड ये हमारा स्लैब है, जो कि 2 फिट चौड़ा है, यहाँ हम अपना किचन का यूज़ कर सकते हैं। 6x6 की एक विंडो दी है इस साइड, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन है फ्रेंड्स। एंड जो भी स्मोक वगैरह होगा पास आउट हो जाएगा इस विंडो के थ्रू। नेक्स्ट ये हमारे सामने एक विंडो और दी है 6x6 की, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा फ्रेंड्स। एंड क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, काफ़ी सुकून रहेगा घर के अंदर। नेक्स्ट एंट्री होती है बेडरूम नंबर 2 के अंदर। जिसके साइज़ की बात करें तो ये 13 फिट 9 इंच x 13 फिट 11 इंच का ये बेडरूम है, तो रफली कह सकते हैं 13 फिट 9 इंच x 14 फिट का ये बेडरूम है। काफ़ी बड़ा ये बेडरूम है, इसमें एक टॉयलेट अटैच दिया है। जिसके साइज़ की बात करें तो 4.5x7 का ये टॉयलेट है फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा टॉयलेट है। 2.5 फिट का प्लेटफॉर्म बनाकर इंडियन WC लगा सकते हैं या इंग्लिश WC लगा सकते हैं। एंड बाकी जो स्पेस रहेगा वो बाथरूम स्पेस रहेगा। 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा, जो भी फॉल स्मेल होगी पास आउट हो जाएगी इस वेंटिलेटर के थ्रू फ्रेंड्स। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने 4x4 की एक विंडो दी है इस साइड, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन है फ्रेंड्स। यहाँ एक डोर दिया है, तो यहाँ से हम अपने बालकनी में भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी लॉबी एरिया के अंदर। लॉबी एरिया की साइज़ की बात करें तो ये 18 फिट 1 इंच x 12 फिट 6 इंच का ये लॉबी एरिया, काफ़ी बड़ा ये लॉबी एरिया है। एक 5x4 की विंडो इस साइड दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से हमारा गेट भी है, तो यहाँ पीछे एक मस्जिद है, तो यहाँ से हम अपने गेट से एंट्रिंग कर सकते हैं। ये 3 फिट का एक छज्जा टाइप का दिया है, तो यहाँ से इसका जो है प्रोटेक्शन रहेगा बारिश वगैरह से, जिससे कि हमारे खिड़की और दरवाजे ख़राब ना हों फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है बेडरूम नंबर 2nd 3rd के अंदर। जिसके साइज़ की बात करें तो 16 फिट x 12 फिट 6 इंच का बेडरूम है, काफ़ी बड़ा ये बेडरूम है फ्रेंड्स। 5x4 की एक विंडो इस साइड दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा, काफ़ी सुकून रहेगा घर के अंदर फ्रेंड्स। कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हमारा इस 200 गज के प्लॉट में हमें 3 रूम्स मिलते हैं फ्रेंड्स। एक लॉबी एंड लॉबी हॉल मिलता है एंड डाइनिंग एंड किचन हॉल मिलता है एंड एक पार्किंग हॉल मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ हमारे स्टेयरकेस है एंड बाहर एक टॉयलेट भी मिलता है। तो आशा करते हैं जिसके लिए बनाया काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ, जिसके साइज़
जो कि सेम साइज का है। देखिए फर्स्ट फ्लोर पर 36x50 का प्लॉट है, 1800 स्क्वायर फीट का 200 बस का प्लॉट है। आइए देखते हैं किस तरीके से ये हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर एंट्रेंस हो गया हमारा। यहाँ से हमारी एंट्री होती है बेडरूम नंबर 1 के अंदर। बेडरूम नंबर 1 की बात करें तो 13 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 10 इंच का ये बेडरूम है। सेम साइज के बेडरूम है, नीचे इतना बड़ा बेडरूम तो इतना ही बड़ा ऊपर बेडरूम है। 4x4 की एक विंडो इस साइड दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ हमने इसका टॉयलेट अटैच दिया है, जिसके साइज की बात करें 4.5x7 का ये टॉयलेट है फ्रेंड्स। 2.5 फीट का प्लेटफॉर्म बनाकर इंडियन डब्ल्यूसी लगा सकते हैं, बाकी जो स्पेस रहेगा वो बाथरूम स्पेस रहेगा। 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है, जो भी फॉल स्मेल होगी तो पास आउट हो जाएगी इस वेंटिलेटर के थ्रू फ्रेंड्स। यहाँ से हमारी बालकनी में एंट्रेंस रहेगी फ्रेंड्स, सेम बालकनी रहेगी। ये जो बालकनी है इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिससे कि हमारे नीचे भी रोशनी जा सके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंट्री होती है हमारे ये टेरेस एरिया के लिए। टेरेस एरिया की साइज की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा टेरेस एरिया पूरा ओपन रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ अपना इसको कवर भी कर सकते हैं कुछ एरिया को, ताकि यहाँ हम अपना बारिश वगैरह में बैठ सकें इधर साइड में, एंड धूप से बच सकें। और ये हमारा प्लांटिंग एरिया है, यहाँ हम ग्रीनिश अपनी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेकंड बेडरूम के अंदर साइज की बात करें तो ये भी 13 फिट 9 इंच बाय 13 फिट 10 11 इंच का ये बेडरूम है। 14 फिट का तकरीबन मान के चलें इस बेडरूम को। यहाँ एक टॉयलेट भी अटैच दिया है, जिसके साइज की बात करें 4.5x7 का ये टॉयलेट है। 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है, फॉल स्मेल पास आउट हो जाएगी वेंटिलेटर के थ्रू। एंड इसके इस रूम के वेंटिलेशन के लिए हमने 4x4 की एक विंडो साइड दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा फ्रेंड्स। आशा करते हैं काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको शेयर जरूर करें, ताकि जिस इस साइज का जिसका भी प्लॉट होगा उसको काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।